समाप्ति महोदय, मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री सालेम अहमद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस स्टेट में पहली बार आज मदरसा अधिनियम सरकार ने पेश किया और अपन पास करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, मदरसों के नाम से कई ज्ञानी और अज्ञानी लोग तरह तरह का पूर्व में विचार कर चुके हैं और कई लोगों की इस मदरसों के बारे में शिकायतें भी हुई। मदरसा शब्द का अर्थ भी कई लोग अच्छे तरह से समझ नहीं पाए। मदरसा कहो, पाठशाला कहो, विद्यालय कहो, स्कूल कहो, ये चीज एक है, लेकिन मदरसा कोई आज इस देश में नहीं शुरू हुआ है। मदरसा सदियों से इस देश में रहे और मदरसा से निकलने वाले, तालीम हासिल करने वाले लोग इस देश के बड़े बड़े वकील बने हैं, भारत सरकार में अच्छे अच्छे मंत्री बने हैं, विद्वान नेता रहे हैं। मदरसा को गलतफहमी से, यहां जैसे मदरसों में प्रथम उर्दू का विषय पढ़ाया जाता है, स्कूलों में संस्कृत का विषय पढ़ाया जाता है, स्कूल में गणित का विषय पढ़ाया जाता है, स्कूल में अंग्रेजी का विषय पढ़ाया जाता है और स्कूल में हिंदी का विषय पढ़ा जाता है, स्कूल में हिस्ट्री का भी पढ़ाया जाता है। तो आप ये मान के चलो, जो ना समझ वाले हैं उनको समझना चाहिए, मदरसा में एक विषय जरूर पढ़ाया जाता है, लेकिन मदरसा इस देश की बुनियादी स्कूल है और इसको स्कूल की नजर से देखना चाहिए। लेकिन इन मदरसों की आज तक तरक्की के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ये पहली अशोक गहलोत की सरकार है जिसने मदरसों में, मदरसे गांवों में रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन उन मदरसा रजिस्ट्रेशन के बाद में अपन सब जानते हैं प्राइमरी क्लास तक के मान्यता मदरसों में है, कई मदरसों में मिडिल स्कूल के क्लास के भी मदरसों में मान्यता मिली है और कई मदरसों में सेकेंडरी स्कूल तक की पढ़ने की मान्यता मिली है। और इस मदरसे में एक्स्ट्रा जो स्कूलों दूसरी से विषय है वो विषय है कुरान शरीफ, जो कि अरबी में पढ़ाई जाती है। ये देश धर्म निरपेक्ष है, भारत देश का नाम धर्म निरपेक्ष और समाजवादी देश है, इसमें किसी भी इंसान को अपना धर्म, अपने धर्म की पूजा करना और धर्म के आदेशों के अनुसार पूजा की पालना करना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह बुरी हरकत करने का है, गुनाह देश के खिलाफ काम करने का है। अपने धर्म के अंदर पूजा कितनी भी कोई हिंदू मुसलमान कर दे, इसमें कोई गुनाह जैसी बात नहीं है। हम लोग अल्पसंख्यक राजस्थान के आज सभी लोगों से पिछड़े हुए हैं। जाति के लिहाज से मुसलमानों ने इस देश में 600 साल राज किया है, इसलिए लोग कहते हैं कि मुसलमान तो कोई पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अच्छे तरह से हर MLA को पता है मुसलमान दलितों से भी आज की तारीख में नीचे है। हमारे बाड़मेर जिले में 21 तहसीलें हैं और 22 पंचायत समिति है, मानो चाहे नहीं मानो उनमें एक भी फोर्थ क्लास चपरासी मुसलमान नहीं, तो इससे माना जाएगा कि हम कितनी तरक्की कर चुके हैं। हमारी तरक्की बहुत कम हुई है और उस तरक्की कम का कारण है हमें शिक्षा का अभाव रहा। पुराने जमाने में शिक्षा, आज तक जो शिक्षा से वंचित लोग जो रहे हैं वो वर्ग है पशुपालक, और दूसरा हमारी बराबरी के हिंदुओं में कोई वर्ग पिछड़ा है, कोई भील जाति के है, मेणे पिछड़े हुए नहीं है लेकिन भील हमारे जैसे हैं। और एक मवेशी को ये चारते हैं ये लाल साफे वाले, और गाय और भेड़ा ले सड़कों पे घूमते हैं, वो हमारे जितने पिछड़े हुए। अरे बाबा, आप फर्स्ट क्लास क्या बात कहते हो, जिस कौम में 50-50 IAS IPS है वो वर्ग पिछड़ा हुआ नहीं होता है।
हमने कहा कि हमारे जिले में और जैसलमेर जिले में किसी तहसील में चपड़ा से पानी का लोटा भरने वाला नहीं है भाई साहब, पिछले हम है और आपकी जाति में भी भील जो है वो हमारे जैसे ही है। इनका कारण ये रहा है, जिन्होंने मजदूरी की है हमेशा, तगारी पौड़े की मजदूरी की है, उनके बच्चे पढ़े, लेकिन जिनका भेड़ बकरी ऊंट और गाय चारने का धंधा रहा है वो आज तक पढ़ाई से वंचित इसलिए रहे हैं कि इस धंधे में बच्चों की भी जरूरत पड़ जाती है, महिला की भी जरूरत पड़ जाती है और आदमी की जरूरत पड़ जाती है। मजदूरी करने वाले इंसान के लिए आदमी औरत तगारी पार डाले मजदूरी पे जाते हैं, बच्चे पीछे रहते हैं तो उनको डर रहता है, तो वो बच्चे स्कूल में छोड़ के जाते हैं, उन गरीब मजदूरों के बच्चे भी पढ़े हैं। इसलिए ये कोई पक्षपात की बात नहीं है, हम लोग आज इस देश में इस प्रदेश में सबसे पिछड़े हुए। हमारी तरफ ये अभी मदरसा में पढ़ाई कोई केवल कुरान शरीफ और अरबी नहीं, पढ़ाई मदरसों में हिंदी भी कराई जाती है, पढ़ाई अंग्रेजी भी कराई जाती है और राजस्थान शिक्षा बोर्ड के एग्जामिनेशन बोर्ड में भी ये बच्चे अब जाने लगे हैं। इसलिए मदरसा एक तरक्कीकार स्कूल की जगह है। अभी पिछड़ापन की आज की तारीख बता दूं, सबसे लास्ट यही बिल आया, बिल बड़ा कितना ही हो लेकिन लास्ट में बिल यही आया और दिल बड़ा चाहिए। और गत वर्ष इस बिल को माननीय कल्ला साहब ने इस सदन में पेश किया था, वो भूल गए और आज की आपने 24 तारीख की सूची में 5 बिल रखे, उसमें फर्स्ट नंबर मदरसा अधिनियम है, लेकिन हमारे को बोलने का तो उसमें लास्ट रखा। देखो इसकी मंशा से पता पड़ता है पिछड़े को पिछड़ा ही रहना पड़ता है, पिछड़े को आगे कोई रखने की कोशिश करते हैं। आज उर्दू के बारे में लोग घृणा करते हैं और कुछ लोग जो पक्का ज्ञान नहीं जाते हैं जानते हैं वो उर्दू को पाकिस्तान की भाषा मानने लगते हैं। मैं आपको कहता हूं आपके पुलिस में सदर थाना हर जगह है, ये सदर किस भाषा का नाम है? आपकी हिंदी और संस्कृत का नाम नहीं है, ये उर्दू का नाम है। पुलिस का रोज नाम चे दो होते हैं, एक रोज नाम चा आम, एक रोज नाम चा तफ्तीश, ये दोनों उर्दू शब्द है। पुलिस का मौका मायना फर्द, ये शब्द हिंदी संस्कृत के नहीं है उर्दू के। आज भी दिल्ली में और पंजाब में पुलिस का रोज नामचा उर्दू में लिखा जाता है, इसलिए उर्दू एक प्रिय मोहब्बत वाली अच्छी भाषा है, कोई पाकिस्तान के बाप की ये भाषा नहीं है, ये दुनिया की उचित काबिल भाषा है। पाकिस्तान तो कल बना है, उर्दू सदियां से इस दुनिया में रही है और रहेगी। प्रेमचंद ने अपने 3 उपन्यास जो शुरू के उपन्यास थे वो उर्दू में लिखे थे। हमारे साथी थे, आज इस दुनिया में नहीं है, सीकर से ये कॉमरेड त्रिलोक सिंह एमएलए था, एक बार 1 घंटा वो विधानसभा में बोला था मेरे नाम के मसले पर। पूनमचंद जी बिश्नोई स्पीकर थे तो उन्होंने पुकारा कैसे, सदर मोहतरम मुझे 2 मिनट बोलने की इजाजत दे। वो आदमी जो उर्दू में बोलता था हिंदी बोलनी जानता भी नहीं था, तो उस जमाने में पढ़े थे। मेरा अंत में इतना ही कहना है, राजस्थान सरकार ने ये अल्पसंख्यकों के हित में सोच विचार के मदरसा अधिनियम की बिल लाई जिसको अपन पास करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मदरसा बोर्ड में भविष्य में तरक्की होगी, लेकिन अभी हम महसूस करते हैं धारीवाल जी, ये मदरसा बोर्ड कहो चाहे ये अल्पसंख्यक विभाग कहो, इसके पास टका ही नहीं है और मेहरबानी करके इसको कुछ वित्त विभाग से सहयोग करें और हमारे बच्चे जो मदरसों में तालीम अंग्रेजी हिंदी और ज्योग्राफी यानी आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं उनकी भी विशेष सहायता का प्रबंध किया जाए ताकि मदरसों की नई रोशनी देश को तरक्की देगी और इन अल्पसंख्यकों को तरक्की देगी। मुझे आपने टाइम दिया जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ आप?
अमीन खाजी, अमीन खाजी, ये कहोगे कि बोलते हैं मैं बाहर भेज दिया मेरा जो बाप।